फेज का प्लानिंग है वो मुकम्मल हुए हैं सारी रियासत में बिल्कुल अपने अपने बात। पहली बार हमने अपेंडिक्स में जो सामान वगैरह को फैसिलिटेट उनके कागजात जैसे कि सही कहा कुछ बहुत बुजुर्ग होते हैं उनको अपना पासपोर्ट वगैरह भी पता नहीं चलता है तो पूरी तरह से एयरपोर्ट पे हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए उनको एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर। लास्ट ईयर भी अच्छा रहा इस साल उससे बेहतर रहना चाहिए। थैंक यू। खुदा जो हजरात है वो भी अपनी इबादत में लग जाते हैं ना वहाँ उनको रिजेक्ट कर दिया तो उसी के पश्चिम मंजर में फिर जो जूरिसडिक्शन था उसको के ग्रीन का एरिया जो जूरिसडिक्शन 1.5 किलोमीटर उसको रिड्यूस करके 1 किलोमीटर लाया गया तो इन तमाम तो पैदल ज्यादा दूर से आना पड़ता है तो वो बहुत दिक्कत होती है उसको 1.5 किलोमीटर वाला जो आपने रिड्यूस करके 1 किलोमीटर तो ठीक है ये भी हमारा क्या-क्या करते हैं और डॉक्टर्स का फॉर्म भर रहे थे जो पिछली बार ड्रॉप आउट हुए वो 6891 जो हमारे एप्लीकेंट्स थे उन में से है जिन्होंने चौथी बार फॉर्म भरा है। ओके तो इसके अलावा हमारे पास 25,700 तो हमारा इस साल का जो भी कोटा होगा वो रिजर्वेशन कोटा में से आ रहा है रिजर्व कोटा ए बी एंड सी कोटा में दे दिया तो 1500 स्पेशल कोटा फॉर जम्मू एंड कश्मीर 432 जो अनयूटिलाइज्ड कोटा अदर स्टेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिस्क्रिशनरी कोटा में जो कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को भी वो जो तरह से रात से सवेरे निकलते हैं तो वो मैडम आपने जो इंस्ट्रक्शन दे दी है वो सारे सारे डिपार्टमेंट्स के प्रिपेयर्ड हैं और इनको भी बुलाया और उधर जो एयरपोर्ट पे कोई वहाँ एयरपोर्ट पे होना चाहिए जो उनकी मदद करे सामान वगैरह जो 100 वॉलंटियर्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द होम गार्ड सिक्योरिटी आप में भी होता है 10 केजी तक वो नहीं उठा पाते हैं बुजुर्ग होते हैं 10 किलो कैसे उठा नहीं पाते हैं वो कोई ना कोई होना चाहिए वहाँ लोडर ताकि उनको वहाँ तक बाहर तक गाड़ी तक उसको लेके जाए कोई ना कोई होना चाहिए पाक में जो होता है मक्का शरीफ में मदीने पाक में वहाँ जो उनको यहाँ बताया जाता है अकोमोडेशन वहाँ वो होती नहीं है जो ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी बहुत दूर होता है फिर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं होता है वहाँ से पैदल आना जाना पड़ता है कोई किसी ने जाके देखा है कि क्या वहाँ इनके इंतजाम हाजी साहिबान के सही है वहाँ उनको बिल्कुल अवकाश कर लिया उनको रिजेक्ट कर दिया तो उसी के पश्चिम मंजर में फिर जो जूरिसडिक्शन था उसको के ग्रीन का एरिया जो जूरिसडिक्शन 1.5 किलोमीटर उसको रिड्यूस करके 1 किलोमीटर लाया गया तो इन तमाम तो पैदल ज़्यादा दूर से आना पड़ता है तो वो बहुत दिक्कत होती है उसको भाई डेढ़ किलोमीटर एरिया भी है मैं भी हूँ बाहर भी नहीं निकलने देते हैं ₹2,50,000 वो मैडम